ਛੜਾਦਾ ਵੈ ਨੇ ਨੀ ਪੁੱਠਿਆਂ ਰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਦਾ ਵੈ ਨੇ ਡੱਬ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਛੜਾਦਾ ਵੈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਠੋਣ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ आज की क्वालिटी में आपका स्वागत है। तो आज आपका भाई दोबारा आपको लेके आ गया ऑटो लग्जरी कस्टम्स पे आपके लिए पीपीएफ की एक और नई वीडियो लेके। तो जैसे कि आप आजकल लाइनअप में पीपीएफ की वीडियो देख रहे हो, उसी सीरीज में आज हमने थार भी एड ऑन कर दिया है। ग्लोस एंड शाइन आप देख सकते हो, इस पर हमने जो इंस्टॉल करी वो है गरवारी की 5 ईयर्स प्लस वाली पीपीएफ। बाकी आप वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ क्या मॉडल थी, क्या क्या हमने इसमें कर दिया है। कुणाल भाई फिर से थार आ गई आज। बिल्कुल, तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, अब आपको डिटेल में बताता हूँ इसमें क्या क्या करा है। जो एक गाड़ी का मॉडल था ये था 2023, ठीक है अब आप 2024 भी खत्म होने वाला है। 1.5 साल पुरानी गाड़ी थी और जब हमारे पास आई थी तब बिल्कुल ये फेड हो चुकी थी। कहीं और से पीपीएफ हुई थी, वो रिमूव होके आई थी। ठीक है हमने इसमें करा है गरवारी का 5 ईयर्स प्लस वाली पीपीएफ। ठीक है, ग्लोस एंड शाइन आप चेक कर सकते हो। पीपीएफ के साथ साथ हमने इसमें एसेसरीज भी इंस्टॉल करी है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे एक बार मैं सेटअप ऑन कर देता हूँ इसका। ठीक है, जैसे भाई ग्रिल लगाई है, हेडलाइट लगाई है, नीचे फॉग लाइट लगाई है, आईपीएच प्रोजेक्टर के। बिल्कुल, तो ये देख सकते हो आप। सबसे पहले तो हमने इसमें बम्पर में नीचे आईपीएच के प्रोजेक्टर लगा दिए हैं, उसके अंदर एलईडी इंस्टॉल कर दिया है। साथ के साथ माइनस वाली इसमें हमने हेडलाइट इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ग्रिल भी देख सकते हो, 7 स्लॉट्स वाली रैंगलर स्टाइल में इसमें लगा दिया ग्रिल। ठीक है, ठीक है। बाकी अगर इससे अलग कुछ भी एसेसरीज थार के लिए चाहिए तो सारी ही अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बेस्ट रेट पे, बेस्ट प्राइस पे आप थार अपनी ऑटो लग्जरी कस्टम्स पे बनवा सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है। जो ये प्लास्टिक के पार्ट से देख सकते हो, थोड़े बहुत लगे भी हुए थे और ये सारे फेड हो चुके थे। ठीक है भाई, सारा ही हमने इसमें कर दिया है रिस्टोर। ट्रिम रिस्टोरर आता है, उससे सारे आपके रिस्टोर हो जाते हैं। इससे एक दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर किसी को नहीं चाहिए मैट में तो आप पियानो ब्लैक में पेंट भी करा सकते हो। अच्छा, उससे थोड़ी गाड़ी में बल्की मैचिंग बल्की हो जाएगी। हाँ, एक कॉन्ट्रास्ट बन जाता है और बहुत सुंदर लगती है। ठीक है उसके बाद हमने इसके जो व्हील्स होते हैं इसको भी रिस्टोर कर दिया, कैलिबर को प्रॉपर। इसमें भाई जो काई लगी होती है ना, वो लगा हुआ था, जितना हो सकता था इसको हमने करा है। सारी सर्विस अवेलेबल है, आप कुछ भी अवेल करा सकते हो। मतलब मिट्टी एक तरह से फंस जाती है। बिल्कुल, तो अब ये चलने में भी बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी और ब्रेकिंग भी एनहेंस हो गया। ठीक है ओके। बाकी पीपीएफ में आप देख सकते हो पहले भी इसमें स्क्रैचेस थे एक दो। बिल्कुल, ठीक है, ये अब इसके ऊपर नहीं आएंगे। ओके, ठीक है भाई। उसके बाद बात कर लेते हैं जो थार की शान होती है। हाँ, बम्पर। बिल्कुल, बम्पर सारे अवेलेबल है, किसी को मेटल में चाहिए, एबीएस में चाहिए, फाइबर में चाहिए, सारे बम्पर मिल जाएंगे। आप फोटो भेज दो, वही बम्पर अवेलेबल है। ओके, प्राइस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है। अब एक बार साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं तो ग्लोस एंड शाइन आप चेक कर सकते हो, कितनी ज्यादा मिरर इफेक्ट जो है इस गाड़ी में आ चुका है। यहाँ से देखोगे तो आपको वो वॉल पूरी क्लियर नजर आएगी। काले शीशे भी कर दिए तुमने यार, वो रिकमेंड नहीं है, कस्टमर की डिमांड होती है तो हम कर देते हैं, पर वैसे रिकमेंड नहीं है। ठीक है ये तो बात होगी गरवारे की। हाँ, किसी को पेंट गार्ड में जाना है, पेंट गार्ड भी अवेलेबल है। एक्स गार्ड में जाना है, एक्स गार्ड भी अवेलेबल है। टिंट एंड ऑरेंज, नार, लुमार, मैग्नस प्रो, सारी पीपीएफ अवेलेबल है, हर प्राइस रेंज से स्टार्ट है। अगर थार की बात कर लें, 35,000 से पीपीएफ स्टार्ट, बेसिकली 30,000 से स्टार्ट है, पर अगर आप सेल्फ फीलिंग 190 माइक्रोन्स की बात करते हो तो 35,000 से मेरे पास पीपीएफ स्टार्ट है। लाख रुपए तक की भी थार के लिए पीपीएफ है, अगर किसी को लुमार वगैरह में जाना है तो। ओके भाई, ठीक है। गरवारे में ये हमने 5 ईयर्स लगाई है, किसी को 8 ईयर्स वाली प्रीमियम जाना है तो वो भी अवेलेबल है, सारा ही स्टॉक रखा हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। बाकी बात कर लें यहाँ पे टकिन की। हाँ, तो मैं एक आपको चीज़ बता देता हूँ, अगर आप हमसे काम करा रहे हो तो भी, नहीं करा रहे तो भी, कोशिश करना जो आप अपनी पीपीएफ अप्लाई करवा रहे हो वो अंदर टकिन होए। ठीक है, कट कराने के दो नुकसान होते हैं। सबसे पहला, एक तो आपकी बॉडी पे स्क्रैच लग जाएगा, अगर कोई नया एप्लीकेटर होगा तो कट यहाँ करेगा और आपकी बॉडी पे ब्लैक पे वो बहुत गंदा दिखता है। ठीक है, दूसरा, कुछ टाइम के बाद, 1-2 महीने बाद इसमें यहाँ पे डस्ट फंसनी शुरू हो जाएगी। हाँ, मिट्टी एक तरह से। हाँ, तो मिट्टी से क्या होगा, एक तो गंदी दिखेगी, दूसरी चीज वो कुछ टाइम बाद पील ऑफ होनी शुरू हो जाएगी। डस्ट की वजह से गम खत्म हो जाएगी, वो पीपीएफ उतरनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो कोई आपको बार बार चेंज करके तो दे देगा, पर वही आपका भी टाइम वेस्ट होता है। कोशिश हमारी ये रहती है, एक बार पीपीएफ अप्लाई कर दी तो कस्टमर को बार बार परेशान होना ना पड़े। ओके, तो हमसे कराते तो वेल एंड गुड है, नहीं कराते तो पीपीएफ हमेशा ट्राई करना टकिन होए। जैसे कि यहाँ से भी हमने कर रखी है और यहाँ भी आप लॉक देख सकते हो, पीपीएफ की बिल्कुल H2H कटिंग देखने के लिए मिल जाएगी नीचे तक। एक मिनट ये देख सकते हो आप। ठीक है भाई। उसके साथ साथ अगेन, जैसे कि हम पीपीएफ पे इंटीरियर ड्राइकलिंग कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, वही प्रोसेस में हमने कर दिया है। अच्छा, कहीं भी साफ सुथरी बिल्कुल लग रही है, कहीं से 1.5 साल पुरानी गाड़ी नहीं भाई। ओके, ठीक है। अंदर भी हमने एसेसरी इंस्टॉल करी है, एक तो आ गया अपना आर्मरेस्ट। ओके, आगे का भी, पीछे के भी, दोनों साइड।
अच्छा पीछे की उस तरफ से दिखा देंगे। बिल्कुल, इसमें नहीं आता है तो ये भी हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। भाई इतनी बड़ी गाड़ी आमरस ना हो तो फिर स्वाद कैसे आएगा, चलाने में मजा नहीं आता। बिल्कुल भाई, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद साइड से अब आप शाइन, अगर अंदर की बात कर लें तो अगर किसी को रंग बिरंगा कराना है अंदर तो फिर उसका क्या खर्चा आता है? किसी को मैं उस साइड से बताने लगता, अगर किसी को लग्जरी इंटीरियर कराना है थार में, कैसे भी थीम लिया हो, कुछ भी कलर लिया हो, सब कुछ अवेलेबल है। बेस्ट प्राइस पे आप अपनी गाड़ी में लग्जरी इंटीरियर थार में करा सकते हो। Okay. इतनी मेरी गारंटी है, अगर आप कुछ भी अपना प्रोजेक्ट लेके आते हो, बहुत सुंदर थार तैयार हो सकती है। वो आपके ऊपर, आप अपनी थार को कैसा बनाना चाहते हो, ऑप्शन सारे अवेलेबल है। ठीक है, एक कलर वो भी तो चल रहा है, कैमल वाला। बिल्कुल, कैमल और आइस ग्रे थार में बहुत ज्यादा चल रहा है, दोनों कलर सब कराते हैं। एक ग्रीन, मिलिट्री ग्रीन भी कलर थार में चलता है। बिल्कुल, तो भी करा सकते हो। अगर किसी की बेस मॉडल है या टॉप मॉडल में अलॉय से परेशान हो गया है तो फ्यूल के, कॉन्ट्रा के या मोटर्स बहुत सारे आती हैं, फॉग्ड वाले भी आते हैं, तो आप कुछ भी फॉसिल के भी लगवा सकते हो। ठीक है भाई, बढ़िया। टेल लाइट भी हमने इसमें इंस्टॉल कर दी है, इसकी वर्किंग आप देख सकते हो। ओके, एक्स स्टाइल बोल लो, जी स्टाइल बोल लो, उसमें हमने इसमें टेल लाइट इंस्टॉल करी है। मैट्रिक्स में इंडिकेटर रहते हैं। ठीक है भाई, बढ़िया। नीचे का किसी को अगर रिफ्लेक्टर चाहिए वो भी मिल जाएगा। ओके, बम्पर कस्टमाइज कराना है तो उसका भी ऑप्शन है, आप वो भी अपने अकॉर्डिंग बनवा सकते हो, पीछे का भी। ठीक है भाई, कोई अगर अलॉय लगाता है पीछे के लिए, आपको गार्ड चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। सारी चीज़ अवेलेबल है थार की। इसका कवर चाहिए, लाइट वाला भी मिल जाएगा, विदाउट लाइट भी, आफ्टर मार्केट टेल लाइट, बार लाइट, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसमें हमने जो कस्टमर के पास पहले से ऑडियो सेटअप था वो भी इसमें एज इट इज इंस्टॉल कर दिया। ओके, ठीक है। अच्छा, पुराना था भैया? पुराना था वो, हमने बस अप्लाई इंस्टॉल किया। पाइनियर का बूफर, JBL का स्पीकर है। बिल्कुल, और ऊपर किकर के कंपोनेंट लगे हैं। ओके, अच्छा ऊपर भी है? ऊपर भी इसमें स्पेस है। ठीक है भाई, ठीक है, काम सारा ही हो जाएगा। बस आपको आना है ऑटो लग्जरी कस्टम्स पे, पंजाबी बाग, डेडिकेटेड शॉप खोल दिया आपके लिए। कोई भी गाड़ी हो, किसी भी तरीके की, कुछ भी काम कराना हो, सारा अवेलेबल है। ठीक है भाई, बढ़िया। ठीक है, अगर इस साइड से अंदर की बात कर लें तो आप देख सकते हो, अगर किसी को नीड है। बिल्कुल, थार की डेडिकेटेड वाली भी मिल जाएगी, कार्ड की K3, K4, K5, K6 कोई भी लगवानी है वो भी मिल जाएगी। मर्सिडीज स्टाइल वेंट चाहिए, कार्बन फाइबर वाला स्टीयरिंग व्हील चाहिए तो वो भी अवेलेबल है बेस्ट प्राइस पे। मार्केट में भाई 15-20 हज़ार में मिल रहा है, इतनी मेरी गारंटी है। उससे कम रेट पे आपको स्टीयरिंग व्हील मैं प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल, मैंने ओपन कर दिया है। ठीक है भाई, ठीक है। अगर पीछे की बात कर रहे हैं, देखो थार मिल गया और ऊपर ही हमने चार्जिंग केस वाला है आर्मरेस्ट इंस्टॉल करें। ठीक है, ठीक है भाई। तो ऐसी कुछ भाई गाड़ी तैयार हुई है, कमेंट करके बताना ग्लोस एंड शाइन कैसी लगी, और एक बार आप इस तरफ की भी लुक चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ऐसे ही कुछ था, मतलब मिरर इफेक्ट आ रहा है गाड़ी के अंदर, है ना? बिल्कुल, ठीक है। अगर भाई, अगर किसी के पास, पास तो नहीं कह सकते, अगर लॉन्च अभी हो ही रही है गाड़ी, बिल्कुल थार रॉक्स, तो उसकी क्या एसेसरी अपने को मिल जाएगी? उसके भी सारे ही प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। अगर किसी को लाइट चाहिए, जैसे कि उसमें ट्यूब लाइट वाली लाइट है या हाफ है, सी शेप में, ऐसा लगता है बाहर से लगी हुई है। मेरे को पर्सनली अच्छी नहीं लगी, तो अगर आप उसके भी चाहिए तो वो भी ऑप्शन आ जाएंगे। बम्पर, साइड क्लाइटिंग्स, नीचे की जो प्रोटेक्शन वाली सीन होता है, सारी ही चीजें उसकी भी अवेलेबल हो जाएगी। इसकी भी मिल जाएगी मेटल में, वो हाँ, स्टील में, बिल्कुल वो सारी मिल जाएगी। तो हेडलाइट तो सब मिल जाएगी, सारे ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। 10-12 तरीके के डिजाइन आते हैं, सारे अवेलेबल है। थार का ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मांगो यहाँ पे ना हो, सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। चलो इंटीरियर की बात कर लेते हैं, थार रॉक्स में तो व्हाइट आ रहा है, तो उसको अगर ब्लैक में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा? हो जाएगा, लग्जरी इंटीरियर में भी, नॉर्मल ब्लैक नहीं, लग्जरियस ब्लैक। फिर तो गाड़ी पूरी खोलनी पड़ जाएगी, पूरी जैसी खुलेगी वैसी ही गाड़ी पैक होएगी। अगर हल्का सा भी कोई लॉक हटता है तो वो मेरी गारंटी है आपकी गाड़ी में वापस वो इंस्टॉल होएगा। वैसे होता है, प्रोफेशनल स्टाफ है, प्रोफेशनल टूल्स है, उससे आपकी गाड़ी पूरी खुलती है और वैसे एज इट इज पैक हो जाती है। ओके भाई, ओके, ठीक, बिल्कुल। मतलब उसमें भी PPF अप्लाई हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलो भाई, ठीक है भाई। हार्ड टॉप तो वही आ रहा है, सेम टू सेम ऊपर वाला, उसको भी पियानो ब्लैक कराना है, हार्ड टॉप को वो भी हो जाएगा। जैसे कि हमने फर्स्ट थार दिखाई थी वैसे ही इसमें भी आप करा सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, ठीक है भाई। कर दे एंडिंग फिर? बिल्कुल। तो भाई फिर बोलो क्या बोलना था आगे? तो वही, अगर आपको ऑटो लग्जरी कस्टम्स पे आना है तो आप मैप पे डायरेक्टली भी डाल सकते हो। बाकी एक क्वेरी रहती है कस्टमर की, ये कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली में है, पंजाबी बाग है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन अशोक पार्क मेन है। बाकी आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं अपनी करंट लोकेशन भी आपके साथ शेयर करूँ। कॉन्टैक्ट नंबर 9990889838, रिपीट कर देता हूँ, 9990889838। बाकी नीचे भी आ रहा है, आप कॉल करो, मैसेज करो, डायरेक्टली अपनी गाड़ी को यहाँ पे लेके आ सकते हो। ओके, फिर बाय बाय। बिल्कुल भाई।